क्या आपको रोमांटिक कॉमेडी मूवी पसंद है और उसके साथ आपको अगर मिले मसालेदार तड़का तो वो मूवी कैसी रहेगी? जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके की एक तमिल मूवी आ रही है जिसका नाम है प्यार प्रेमा कधल, जिसका मतलब होता है प्यार प्यार प्यार। इस मूवी की खासियत है इसका स्टोरी लाइन, क्योंकि एक अलग ही अंदाज में स्टोरी लाइन को पेश किया गया है जहाँ पर कैरेक्टर कुछ उल्टे पुल्टे आपको नजर आएंगे और वहीं से मजा आता है इस ट्रेलर में। तो चलिए रिव्यू करते हैं इस ट्रेलर का। तो ट्रेलर के लीड रोल में आपको नजर आएंगे हरीश कल्याण और रैजा विल्सन। और इस ट्रेलर में क्या होता है, हरीश होते हैं एक सिंपल से साधा सीधा एक इंसान जो अपनी जिंदगी को आराम से जीते रहते हैं और उसी बीच उन्हें प्यार हो जाता है रैजा विल्सन से, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न और अपडेट टाइप की लड़की होती है। और इन दोनों का जो केमिस्ट्री है ये आएगा आपको सबसे ज्यादा पसंद, क्योंकि ज्यादातर केस में मॉडर्न तो बंदा होता है बंदी नहीं, पर यहाँ पे आपको नजर आएगी बंदी। जी हाँ, तो लड़की जो है वो पुराने ख्यालात की नहीं है, वो आज के जमाने की मॉडर्न लड़की है जिन्हें पसंद है बार में जाकर के डांस करना, बार में जाकर के ड्रिंक्स करना और वो सब कुछ जो एक मॉडर्न लड़की करती है। और यहाँ पे जो हमारे हीरो हैं वो एकदम सादे सीधे हैं, वो एकदम सिंपल तरीके से जीते हैं और वो कोशिश करते हैं रैजा को मनाने में कि वो करे उनसे शादी। सबसे इंटरेस्टिंग बात की यहाँ पे हीरो के जो माँ बाप होते हैं उन्हें जरूरत होती है एक सादी सीधी घरेलू लड़की जो चाहते हैं हरीश एक इसी तरीके की लड़की लाए, पर हरीश से तो प्यार हो गया है एक मॉडर्न लड़की से, तो वो किस तरीके से राजी करेंगे अपने फैमिली को कि वो एक अपना मॉडर्न जमाने की लड़की को अपनी बहू के आकार में। और ये देखना रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे क्या क्या कोशिशें करते हैं, जो कि मूवी की सबसे मेन पॉइंट है। तो वहीं पे अगर लड़की की बात की जाए तो वो एकदम तरीके से राजी हो चुके हैं मैरिज करने के लिए, बस कोशिशें चल रही है कि किसी तरीके से फैमिली को मनाया जाए। और इन्हीं बीच आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छी तरीके की कॉमेडी, मसाला, तड़का, एंटरटेनमेंट, वो सब कुछ। आखिर में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपको पसंद है रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखना तो आप इस मूवी को जरूर देखें। ये मूवी रिलीज होगी 2018 के बीच में, हालांकि कुछ पर्टिकुलर रिलीज डेट अभी नहीं कहा गया है। और अगर आपको भी ट्रेलर पसंद आया है और आप भी इंटरेस्ट है इस मूवी को देखने के लिए तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।